क्या 1 रुपए का पुराना नोट आपको लाखों रुपए दिला सकता है? अभी मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आपका जो पुराने नोट है आप उसे लाखों में सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी, मेरा निवेदन होगा, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आप लोगों तक शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो और आप उस वीडियोज़ का बेनिफिट ले सकें। दोस्तों अभी हाल ही मैंने कुछ वीडियोज़ देखे जिसमें 1 रुपये का मोंटेक सिंह अहलूवालिया का नोट है, ये आप देख सकते हैं। मोंटेक सिंह अहलूवालिया का जो गवर्नर है उनका नोट जिसका दाम 1 लाख से लेकर 3 लाख तक बताया गया है। दोस्तों इसका प्राइस क्लियर करने से पहले मैं आपको भी एक नोट दिखाने जा रहा हूँ। ये 1 रुपये का सर सीई जॉन्स का नोट है जो कि 1944 में बनाया गया था और 1957 तक ये मोनोटाइजिंग हो रखा था, अब उसके बाद डिमोनोटाइज हो गया था मार्केट से। इस नोट की 3 एडिशन बने थे, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड, जिसमें ग्रीन एडिशन में कुछ दिक्कत आने के कारण रेड एडिशन में शिफ्ट हुआ जो कि 1947 में हुआ था, और ब्लैक एडिशन में इसका एक प्रीफिक्स W बनाया गया था जो कि ग्रीन की इंक की प्रॉब्लम के कारण उसमें शिफ्ट हुआ था। तो उस नोट की और रेड एडिशन के नोट की अधिकतम वैल्यू 30,000 रुपये है। ये एक ऐसा नोट है जिसका सबसे ज़्यादा दाम है, इसके अलावा कोई भी 1 रुपये का ऐसा नोट नहीं है जिसका दाम लाखों में कहा जा सके। वैसे इसका भी दाम ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये है। कोई भी ऐसा नोट अभी तक बना नहीं है जिसका दाम लाखों में होगा, 1 रुपये का कोई भी ऐसा नोट नहीं है। इसके अलावा कई ऐसे नोट और कई ऐसे कॉइन भी अवेलेबल हैं जिनका दाम लाखों में हो सकता है, पर 1 रुपये का मोंटेक सिंह अहलूवालिया का नोट ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 रुपये है अगर आपके पास UNC कंडीशन में अवेलेबल है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी कि आप उन फेक वीडियो और फेक इन्फॉर्मेशन पे गौर मत कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि आप लोगों तक सिर्फ जेन्युइन